हेलो दोस्तों गाइस, आज का ब्लॉग है हमारा सूर्यकुंड। ये बदायूं का बहुत फेमस सूर्यकुंड है और दोस्तों ने मुझे यही बताया है कि इधर काफ़ी पॉपुलर है इधर का, और ये सुना है ऐसा 1200 साल पुराना है। ये दोस्त के साथ, भाई के साथ जा रहा हूँ आज मैं सूर्यकुंड। कितना पुराना है ये? 1200 के समथिंग, 1200 साल के आसपास पुराना है। ये हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, भाई जा चुका है, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। चलिए आइए, देखते हैं कैसा है सूर्यकुंड। और दोस्तों हम सूर्यकुंड पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पानी सूख चुका है बिल्कुल, अब पहले यहाँ पे बहुत पानी हुआ करता था। और ये करीब 1200 साल पुराना है, और राजा जो महिपाल का यहाँ पे शासक हुआ करता था, तो उस टाइम की बात है। तो यहाँ पे सती प्रथा जब हुआ करती थी उस समय, तो जब वो खुद को अग्नि देने से पहले वो इसी तालाब में, ये तालाब हुआ करता है, कुंड था ये, तो इसी में पहले स्नान करती थी, उसके बाद उन्हें जलाया जाता था, अग्नि स्नान होता था उनका। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये प्रशासन ने बैठने की व्यवस्था बना रखी है, आप देखें। कुछ साल पहले तक ये टूटा हुआ था, तो इसकी मरम्मत प्रशासन ने करवाई है, आप देख सकते हैं। ये सूर्यकुंड बदायूं का, ये काफ़ी मशहूर है, और ये 1200 साल पुराना लगभग है ये, आप देखिए। ये देखिए, ये जो कोठरी टाइप ये जो बनी हुई है, इसी में अग्नि स्नान होता था उनका। यहाँ से वो इस कुंड में वो स्नान करती थी, और उसके बाद यहीं पर ही जलाया जाता था उन्हें, ये जो बना हुआ है।
देख सकते हैं आज के टाइम में, अगर प्रशासन ने यहाँ पहले ध्यान दिया होता तो आज लोग टिकट लेके आ रहे होते। और अगर ये यही सूर्यकुंड अगर दिल्ली में होता तो इसको लोग टिकट लेके आ रहे होते। टूरिस्ट प्लेस बन चुका होता ये। अब यहाँ देख सकते हैं अब कोई है ही नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, प्रशासन ने लगवाई है। और ये आप एक ये कोठरी से बनी हुई है, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है मेरा अनुभव है तो मैंने यही सुना है कि सती जो हो जाती थी जब उनके पति की डेथ हो जाती थी, वो जब तक उनका अग्नि स्नान नहीं होता था शायद इसी में रहती थी। तो ये कुटिया है इनकी, आप देख सकते हैं। ये देखिए और देखिए ये शिव मंदिर है, मैं शिव मंदिर दिखाता हूँ। ये देखिए ये शिव मंदिर है, ये देखिए शिव मंदिर, ये 1200 साल पुराना लगभग शिव मंदिर है, ये देख सकते हैं। हम ये इसमें जाने की कोशिश करते हैं कि क्या है, जो भी ये कोठरी है ये टाइप, इसमें हम जाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ऊंचा है यहाँ से, देखते हैं हम कैसे जा सकते हैं। ये देखिए ये कुछ गुंबक टाइप की है कोठरी है, इसके अंदर ये इसके अंदर का है, ये देख सकते हैं आप। देखिए इसका मैं अंदर और अंदर दिखाता हूँ आप, कोशिश करता हूँ देखने का। देखिए कोशिश करता हूँ मैं और अंदर दिखाने का। ये देखिए ये पूरा, देखिए यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे मैच खेल रहे हैं यहाँ पे। अब कोई टूरिस्ट नहीं, कोई आता नहीं है यहाँ। ये देखिए बच्चे मैच खेल रहे हैं, खेलते हुए देखेंगे। एक और मंदिर है शायद, किसका है मंदिर? ये शिव जी का मंदिर, एक और मंदिर, दो मंदिर है शायद, एक ये है मंदिर शिव जी का, ये शिव जी का मंदिर देख सकते हैं आप। कोशिश करूँगा पास से दिखाने का। गौतम बुद्धा की भी एक मूर्ति है। ये आप देख सकते हैं। तो मिला के अब तो ये वीरान जगह रह है, हो चुकी है। और आप सोच सकते हैं कि मतलब मुझे आज तक नहीं पता, मैं यहाँ का हूँ लोकल का ही, अब मुझे सूर्यकुंड के बारे में अब पता चला है, कभी पता ही नहीं था मुझे।
काइज आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। ये टूरिस्ट स्पॉट है, 1200 साल पुराना, बहुत बदायूं का, और यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं। देखिए ये हाल है अब सूर्यकुंड का। गाइस तो आज का ये ब्लॉग रहा हमारा सूर्यकुंड का, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे, आई होप आपको अच्छा लगा ही होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।